हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे न्यू मारुति सुजुकी सेलेरियो ZXi प्लस वेरिएंट के बारे में। तो गाइस, अगर आप लोग इस सेलेरियो वेरिएंट को ख़रीदना है तो क्या होगा, इस गाड़ी का प्राइस, माइलेज, टॉप स्पीड, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना है, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मारुति सुजुकी सेलेरियो ZXi प्लस की जो स्पेसिफिकेशन है इसके बारे में बात करते हैं। इस गाड़ी का फ्यूल टाइप होगा पेट्रोल, ट्रांसमिशन टाइप होगा इस गाड़ी में मैनुअल ट्रांसमिशन इस गाड़ी में देखने को मिलता है। गाइस, इस गाड़ी का जो इंजन सीसी होगा 998 सीसी BS6 इंजन इस गाड़ी में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस गाड़ी का जो माइलेज की बात करें तो 24.97 किलोमीटर पर लीटर है और इस गाड़ी का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी होगा 32 लीटर। तो दोस्तों, इस गाड़ी में 32 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है। तो दोस्तों, इस गाड़ी का जो एक शोरूम प्राइस है इसके बारे में बात करते हैं। गाइस, इस गाड़ी का जो एक शोरूम प्राइस होगा 5,94,000 होगा और इस गाड़ी का जो RTO चार्जेस आपको पे करना होगा 23,760 रुपीज़। और इंश्योरेंस की बात करें तो इस गाड़ी में इंश्योरेंस की पे करना पड़ेगा 28,357 रुपीज़। तो पूरा टैक्सेस लगाने के बाद इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस होगा 6,46,117 रुपीज़। तो गाइस, अगर आप लोग इस गाड़ी को फाइनेंस में निकालना है तो आपको डाउन पेमेंट देना होगा 1,50,000, लोन अमाउंट बनता है 4,96,117 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा इस गाड़ी का 11% मैंने लगाया है और इस गाड़ी का जो 4 ईयर का EMI आपको पे करना होगा 12,822 रुपीज़। और अगर आप लोग इस गाड़ी को 5 ईयर के लिए फाइनेंस कर रहे हैं तो आपको हर मंथ में पे करना पड़ेगा EMI 10,786 रुपीज़। तो गाइज, अगर आप लोग इस गाड़ी को फाइनेंस में निकालना है तो यही डिटेल्स होगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन में आप लोग को दो वीडियो दिखाई दे रहा है, आप लोग क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो।